टेस्टी टेस्टी मोमोज के साथ चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल व्लॉग्स विद काजल। बहुत टेस्टी मोमोज है ना, पानी आ रहा है मुंह में। आई ट्रस्ट मी, ये बहुत टेस्टी है। दिस वन केएफसी मोमोज, इससे पहले जो दिखाई थी वो तो आपको पता ही है, फ्राइड मोमोज है। ये थोड़ा मेरा फेवरेट मोमोज है केएफसी। बहुत ही टेस्टी मोमोज है, ट्राई कीजिए कभी। अभी चलते हैं घर के तरफ, शॉपिंग वगैरह हो गया। देखिए कितना टेस्टी टेस्टी खाना है ना, चाट है, गुपचुप है, मतलब पानी पूरी को हमारे साइड में गुपचुप बोलते हैं, मोमोज भी है, आइसक्रीम भी है, सब कुछ मिलता है। ये देखिए, ये मार्केट से हम अंदर गए थे ना, वो थोड़ा अभी शाम हो गया है, उसका नज़ारा है। ये देखिए सब कुछ मिलता है। दुपट्टा तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो के 500-600 तक मिल जाएगा। नॉर्मल दुपट्टा यूज करते हैं तो 100 में। शादी के कपड़े, शेरवानी, लहंगा सब कुछ मिल जाता है, बच्चों का कपड़े, और आपको सस्ते में मिल जाता है। अगर आप कहीं बाहर से आए हो भुवनेश्वर और का आपको पता नहीं है कहाँ से शॉपिंग करना है, प्लीज़ यहाँ पे विजिट कीजिए और आपको यहाँ पे शॉपिंग करके बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दाम भी बहुत कम है और क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ यहाँ पे आइए और विजिट कीजिए। लेफ्ट साइड पे आपको ये बहुत सारे दुकानें दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब छोटा छोटा प्लांट्स का दुकान है। देखिए बहुत सारे फ्लावर्स का और नॉर्मल प्लांट जो होते हैं छोटे छोटे घर पे लगाने के लिए, वो सब शॉप है ये साइड में, रोड साइड में। और प्लास्टिक का सामान भी है, जैसे कि मॉग हो, बाल्टी वगैरह, ये सब हो गया इसका सामान। और सच में बताऊँ, आप बाहर से ख़रीदोगे और यहाँ से ख़रीदोगे आपको प्राइस कम ही आएगा। तो आप एक बार आके ट्राई कीजिए यहाँ से विजिट करके कुछ सामान लेने के लिए, और एंजॉय कीजिए। अभी नाइट का व्यू दिखा रही हूँ आपको भुवनेश्वर का। ये देखिए भीड़ थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि सब अभी रिटर्न जा रहे हैं घर, तो थोड़ा भीड़ रहता है यहाँ पे। आते टाइम आपको एक ओवरब्रिज दिखाए थे ना, हम उसके नीचे से आए थे। ये रहा वो ऊपर का ओवरब्रिज। अभी हम मेन रोड में जाएंगे, तो आपको अभी व्लॉग में मेन रोड देखने को मिलेगा और नाइट का व्यू भी देखने को मिलेगा। देखिए इतना भीड़ में भी कितना सुंदर दिख रहा है ना नाइट का व्यू भुवनेश्वर का, सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये आपको इस रास्ते में जाके बोरिंग तो नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारे टाइप का दुकान आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे शॉपिंग मॉल भी है यहाँ पे, पर उसलिए टाइम भी चाहिए उसको घूमने के लिए। मेन मार्केट आपको दिखाना था तो आपको मेन मार्केट मैंने दिखा दिया। अभी कभी और मौका मिलता है तो आपको दूसरे वाला शॉपिंग मॉल सब दिखाऊंगी।
सिग्नल, यहाँ पे ही ज़्यादा भीड़ रहता है। अभी थोड़ा सा कम है और आते टाइम आपको दिखाती तो यहाँ से जाने के लिए हमें आधा घंटा लगता। ये था मेन सिग्नल, फिर भी यहाँ पे भीड़ तो है, इतना कम तो नहीं हुआ है। इट्स ओके, नाइट का व्यू एंजॉय करना है तो थोड़ा ये सब मुश्किल तो उठाना पड़ेगा। चलिए आपको एक न्यू मॉल दिखाती हूँ, अंदर का नहीं ऐसे बाहर से दिखा देती हूँ, कभी टाइम मिलेगा तो वहाँ जाके आपको अंदर का व्यू दिखाऊंगी। ये देखिए वो मॉल स्टार्ट हो गया, बहुत ही फैंटास्टिक लाइटिंग किए हैं इसमें, मुझे तो बाहर से देख के बहुत ही अच्छा लगा। मैं भी इसके अंदर नहीं गई हूँ, मेरे लिए भी न्यू है। ये देखिए गैलेरिया मॉल है, ये ब्रांडेड शॉप यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे पूरा ब्रांडेड दुकान ही है। तो मैं नहीं गई हूँ इसके अंदर अभी तक, बस बाहर से दिखाना था आपको। अभी न्यू ओपन हुआ है, मतलब शायद 1 साल हुआ है इसको ओपन हो गए। Stop!
आपको अभी देखने को मिलेगा रिलायंस ट्रेंड्स। यहाँ पे आके भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा चीज़ मिलता है। और इसके पास ही वो टेस्टी वाला मोमोज का दुकान है, ये देखिए वो रहा वो दुकान। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत टेस्टी मोमोज मिलते हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ होते हैं और बहुत वेराइटी टाइप ऑफ मोमोज आपको यहाँ पे खाने को मिलेगा। मुझे यहाँ पे KFC मोमोज ज़्यादा पसंद है। इससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था KFC मोमोज भी होता है, सिर्फ फ्राइड और स्टीम ये दो मोमोज मुझे पता था। यहाँ पे तंदूरी मोमोज, बारबेक्यू मोमोज, बहुत सारे मोमोज मिल जाते हैं। आप अगर खाएंगे यहाँ पे आके फिर आपको पता चलेगा मैं सच बोल रही हूँ झूठ। प्लीज़ आके यहाँ पे टेस्ट कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। और बहुत रीजनेबल प्राइस में है, मतलब इतना ज़्यादा पैसा लेके देते हैं ये नहीं, नॉर्मल प्राइस में ही वो मोमोज देते हैं। ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा आपको ये खा के। आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई थी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ था, जो कि ये रहा वो टोल गेट। पूरी भुवनेश्वर मेन हाईवे का ये बीच में एक टोल गेट है, ये पिपली के अंडर जाता है। इसको मैं दिखाना भूल गई थी क्योंकि इस तरफ मैं नहीं आई थी उस टाइम वीडियो बनाते टाइम, तो अभी रिटर्न जा रही थी तो सोचा आपको एक बार दिखा दूँ ये टोल गेट। ये अभी बस 4-5 साल पहले ही ये टोल गेट बना है, न्यू वाला, क्योंकि ये मेन हाईवे है ना, इसके बीच में एक टोल गेट रहना तो बनता है, इसीलिए ये पिपली के अंडर में है ये टोल गेट। ये दिखाना मैं भूल गई थी। अभी हम घर के पास तो हो गए हैं ऑलरेडी, तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।